स्वागत है आपका अपने परिवार उदित एजुकेशन में। अगर आप प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एम्बरग्रीस के बारे में और जानेंगे कि आखिर इसकी कीमत करोड़ों में क्यों आंकी जाती है। अभी कुछ समय पहले मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से करीब 1.3 किलोग्राम एम्बरग्रीस बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एम्बरग्रीस की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है। यह ठोस और मोम जैसा पदार्थ है। रासायनिक रूप से एम्बरग्रीस में एल्कलॉइड एसिड और एम्ब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है। दरअसल एम्बरग्रीस वेल मछली की उल्टी को भी कहा जाता है। एम्बरग्रीस अफ्रीका, चीन, जापान, अमेरिका के समुद्री तटों पर पाई जाती है। वैसे आमतौर पर यह समुद्र के अंदर पाई जाती है, परंतु कई बार पानी के बहाव के साथ यह एम्बरग्रीस समुद्र के किनारों पर आ जाती है। एम्बरग्रीस स्पर्म वेल के अंदर पाया जाता है। इसे प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्पर्म वेल में से केवल 1% एम्बरग्रीस का उत्पादन करती है। स्पर्म वेल की बात करें तो दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जीव है। इसके एक दांत का वजन 1 किलोग्राम होता है और यह नीले भूरे और भूरे रंग की होती है, जिसके पेट पर सफ़ेद धब्बे होते हैं और इसकी पीठ पर कुबड़ की श्रृंखला होती है। स्पर्म वेल के लिए अगर खतरे की बात करें तो इसके लिए ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हानिकारक है। एम्बरग्रीस को समुद्री खजाना, तैरता हुआ सोना, प्रोटीन गोल्ड भी कहा जाता है। एम्बरग्रीस काफ़ी सुगंधित होता है। इसका उपयोग महंगे परफ्यूम में किया जाता है। प्राचीन मिस्रवासी एम्बरग्रीस का उपयोग धूप के रूप में करते थे। ऐसा माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में जहाँ इत्र का एक बड़ा बाजार है, वहाँ एम्बरग्रीस की मांग सबसे अधिक है। दुनिया भर के कई देशों में एम्बरग्रीस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि स्पर्म वेल के शिकार को बढ़ावा न मिल सके। अगर स्पर्म वेल के संरक्षण स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में स्पर्म वेल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ने स्पर्म वेल को परिशिष्ट प्रथम में शामिल किया है। अगर बात करें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो स्पर्म वेल को अनुसूचित प्रथम में शामिल किया गया है। यह थी हमारे आज के टॉपिक एम्बरग्रीस से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो।